अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट जरूर देखा है। अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसका पिछला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं के लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। आप समय है पूरे सीरीज का क्लाइमेक्स को एक्सप्लेन करने का कि आखिर अब तक घटा क्या और ये एलियन स्पीशीज कहां से आए और ये थे कौन और आगे होने क्या वाला है, क्योंकि सीजन 3 फाइनली खत्म हो गई है। सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसे दो पार्ट्स में बांटा है, एक्चुअल यानी कि जो घटा वर्सेस एक्सपेक्टेड यानी कि जो हो सकता था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्चुअल से कि क्या रियलिटी में घटा, और यहां मैं सीरीज को टाइमलाइन ऑर्डर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और आगे जो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मेरी थियरी है, क्योंकि मूवी में बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिन्हें एक्सप्लिसिटली समझाया नहीं गया। पर अगर आपकी कोई और थियरी हो तो मुझसे कमेंट में जरूर शेयर करें। डोम के इंसिडेंट से 25 साल पहले जेनिट टाउन में एटियन कंपनी के लिए काम करने वाले डॉन और बार्बी के पिता, जब बार्बी उस समय काफी छोटा था, मैरिड होने के बावजूद उनका लॉरा मेलिनी के मॉम के साथ गैर रिश्ता था, जो किसी कारण से टूटने पर लॉरा मेलिनी को लेकर चेस्टिस मिल टाउन शिफ्ट हो गई। वहीं लाखों लाइट ईयर्स धरती से दूर द किनशिप नाम के एलियंस लाइक पैरासाइट्स अपने किसी अननोन प्लेनेट पर रहा करते थे, जिनका मेरे ख्याल से कोई सॉलिड फॉर्म नहीं था जैसे ह्यूमंस का है। वो सीधे होस्ट को पोजेस करके ही सर्वाइव करते थे और अपने लीडर क्वीन डॉन को ब्लाइंडली फॉलो किया करते थे। मेरा थ्योरी है कि जिस प्लेनेट पर वो थ्राइव करते थे वहां भी होस्ट को सबसे पहले डोम में घेर के उन्हें पोजेस करके सर्वाइव करते थे। और मेरे लॉजिक के हिसाब से पिंक स्टार्स भी कोई स्टार्स नहीं बल्कि उनका एनर्जी सोर्स था, ठीक जैसे ह्यूमंस के लिए फायर और लाइट के जलने पर फ्लेम्स या रोशनी नजर आती है, वैसे ही उनकी एनर्जी के बर्न होने पर पिंक स्टार्स की तरह एनर्जी नजर आता है। पर फिर अचानक से किसी और एडवांस स्पीसीज ने उनके प्लैनेट पर हमला बोल दिया, जिसके कारण बचे हुए लोगों को अपना प्लैनेट छोड़कर भागना पड़ा, ठीक जैसे एनिमे सीरीज में ड्रैगन बॉल जी में गोकू के लोगों को फ्रीजा के कहर से, या सुपरमैन सीरीज में उनके रेस को अपना प्लैनेट छोड़ना पड़ा। तारा द्वारा हजारों लाइट ईयर्स ट्रैवल करते हुए नए प्लैनेट के तलाश में निकल पड़े, जिसमें से कई धरती पर क्रैश हुए। अब धरती पर क्रैश होने पर सबसे पहले नजर एक्टिव एनर्जी कंपनी के सीईओ हेक्टर की पड़ी, और सून उन्हें एक से निकल रहे लिमिटलेस और प्योर एनर्जी सोर्स के बारे में पता चला। पर इस खोज के दौरान उन्हें ये भी पता चला कि एग में कोई अननोन लाइफ फॉर्म कैद है, जिसके कारण उनके कुछ साइंटिस्ट शहीद हो गए। यहाँ चेस्टिस मिल शिफ्ट होने के 5 साल बाद मेलिनी की दोस्ती पॉलिन, उसका बॉयफ्रेंड लाइल और अपने क्रश सैम से हुआ, जहाँ रहते दौरान उसे पिंक स्टार्स के विजन नजर आया करते थे, जिसे वो अपने घर के दीवार पर बनाया करती थी। और फिर एक दिन उसने एक विशाल तारा टाउन के जंगलों में क्रैश होते अनुभव किया। वो तुरंत अपने साथियों के साथ उसके तलाश में निकल पड़ी, और फाइनली जंगल के ठीक बीच उन्हें अपने जिंदगी में पहली बार एक क्रैश तारा नजर आया। म्यूटियर के बीच मौजूद एग ने उन्हें हिप्नोटाइज करके उस पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया, ताकि वो अनलॉक हो सके, जिसके अनलॉक होते ही एग ने मेलिनी को उसका एज न्यू क्वीन चुना, जो आगे जाकर न्यू क्वीन डॉम को जन्म देने में मदद करेगी। एग ने शायद जानबूझकर उस दौरान कान फाड़ने वाली आवाज करना शुरू कर दिया, ताकि ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान कोई खतरा न बने, इसीलिए शायद मेलिनी को छोड़कर बाकी सभी को वो नॉइज सुनाई दे रहा था। पर एग से निकल रहे तेज आवाज के घबराहट में लाइल ने मेलिनी को ढकल दिया, जिसका उस मीटर से टकराकर वहीं जान चली गई, क्योंकि एग के कंट्रोल में वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, जिसके कारण ट्रांसफर प्रोसेस कभी कंप्लीट ना हो सका, और डोम के आने से पहले ही वो जगह मेलिनी की समाधि बन गई। और तीनों एकदम डरे मेलिनी को वहीं गाड़ दिया और ये सीक्रेट बनाए रखने का तय किया। पर उस घटना के कारण पॉलिन में कोई सुपरनेचुरल शक्ति जन्म लेने लगी, जिसके मदद से उसे आगे होने वाले सारे विजन्स दिखाई देने लगे, जिन्हें वो अपने जर्नल और पेंटिंग्स में दर्शाने लगी। आगे जिम के साथ शादी करने के बाद भी उसका विजन्स एंड नहीं हुआ, और तब उन्हें उस एग का कनेक्शन जेम्स से कनेक्टेड विजन्स भी नजर आने लगे, इससे पहले कि ये डोम उसके बेटे जेम्स को भी निगल ले या जिम उसे पागल समझकर किसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भर्ती कर दे। उसने लाइल के साथ मिलकर अपने मरने का झूठा प्लान तैयार किया, ताकि जिम या जेम्स उसका पीछा ना कर सके, इस उम्मीद में कि डोम उससे कनेक्टेड है और वो जहां जाएगी डोम उसे फॉलो करेगा। और वो लाइल से सीक्रेटली कनेक्टेड रहा करती थी और उससे अपने सारे विजन्स पोस्टकार्ड द्वारा शेयर किया करती थी। इसी दौरान बार्बी के लाइफ में बड़े होने
पर एक नया बदलाव आया। उसमें अपने फैमिली के प्रति किसी कारण से नफरत बनने लगी थी, इसलिए उसने फैमिली से दूर रहने के लिए आर्मी ज्वाइन किया। पर आर्मी से उसके एक गलती के कारण निकाले जाने पर उसने फिरौती का काम शुरू किया, जहां वो मैक्स और कुछ लोगों के लिए काम करता था, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट उसका एक्टियन एनर्जी के सीक्रेट्स को चुराना था। पर उसे उस समय खबर नहीं था कि उसके डैड एक्टियन के लिए काम करते हैं। अब 20 साल बाद एक्टियन अब भी एक के तलाश में हेक्टर का जिगरी दोस्त पैट्रिक एक के टुकड़ों को जोड़कर एक कंप्लीट एक तैयार करने में सफल रहा। पर यहां भी मेलेनी की तरह एक के हिप्नोटिज्म में उसे छूने पर एक झटके के बाद पैट्रिक चलता फिरता एनर्जी सोर्स उसके शरीर में अननोन लाइफ फोर्स क्रॉल करने लगे। पर अगर आप सोच रहे होंगे कि एक को छूने पर तो डोंट ट्रिगर होना चाहिए जैसे आगे क्रिस्टीन के समय में होता है, तो पैट्रिक के केस में कैसे नहीं हुआ? वेल, इसका थियरी मैं यही लगा सकता हूँ कि शायद उस एग में इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो एक विशाल डोम को ट्रिगर कर सके, क्योंकि उसे जोड़कर तैयार किया गया था। अब हेक्टर अपने जिगरी दोस्त पैट्रिक के क्योर का पता लगाने के लिए डॉक्टर मैटरिन और नए एग की खोज में एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रिस्टीन और ईवा को हायर करता है। लकीली अपने सैटेलाइट की मदद से उसे एक कम्प्लीट एग का चेस्टर्समिल टाउन में होने का भनक लगता है और दोनों उसके तलाश में निकल पड़े। पर यहां एक्टर किसी कारण से क्रिस्टीन और ईवा को एग के इन्फेक्शन के बारे में आगाह करने में असफल रहा, जिनके एग को छूते ही वो एग दोनों को अपनी मिनी डोम और टाउन को एक विशाल डोम में कैद कर लिया। हालांकि ईवा को डोम में खींचे जाना प्लान नहीं था, वो क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान बीच में आ गई और ये सब एक्टियन ने अपने सैटेलाइट की मदद से नोटिस कर लिया था। जब यह प्रोसेस ट्रिगर हुआ था, मेरे ख्याल से क्रिस्टीन उसी समय उसी हिडन गुफा में मौजूद गुफा में बस गई थी, जहां मेरे ख्याल से ईवा और मेलेनी भी ककून में क्रिस्टीन की तरह बसे थे, जिसका क्लू हम इस बात से लगा सकते हैं कि आगे पुनर्जन्म के बाद मेलेनी जब उस गुफा में धसी थी वो भी वही लोकेशन था जहां से क्रिस्टीन और ईवा को निगल लिया गया। मेरे ख्याल से डोम से घिरते ही क्रिस्टीन ने अपने कुकून के थ्रू नोरी, जेम्स, जो, एंजी और जूलिया के साथ बार्बी को भी चूज किया। जी हाँ, बार्बी को भी, क्योंकि मेरा मानना है कि क्रिस्टीन ने शुरुआत से बार्बी को जूलिया के साथ मेट करने के लिए चुना था, जिसका क्लू हमें आगे तब मिलता है जब पॉलिन मरने से पहले ये शेयर करती कि जूलिया के अलावा और एक है जिसे अभी तक पता नहीं है और ऐसा शख्स सिर्फ बार्बी ही था। वहीं रियलिटी में जूलिया न्यू क्वीन को जन्म देने के लिए चुनी गई थी। इसका क्लू हमें उस समय पता चलता है जब उसके पहली बार मिनी डोम को छूने पर एक्स से मैसेज मिला था, मोनार्क विल बी क्राउन्ड। इस मैसेज का लॉजिक यही है कि वो इस विशाल डोम का मोनार्क बटरफ्लाई है, जिसके कुकून से आगे एक खूबसूरत मोनार्क बटरफ्लाई जन्म देगा, यानी कि यहाँ इसका मतलब कि वो न्यू क्वीन डॉन को जन्म देगी। इसीलिए सीजन 1 में मेरे ख्याल से क्रिस्टीन ही गुस्से में वो आगे स्टॉर्म ट्रिगर करती है जब मैक्स उसे बदले के आग में शूट कर देती है और उसके ठीक बचने पर स्टॉर्म चला भी गया था। दूसरा क्लू की सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में मिनी डोम के टूटने पर डोम से आजाद मोनार्क जूलिया के इर्द-गिर्द मंडराने लगी थी। तीसरा क्लू की आगे सिर्फ जूलिया के छूने पर एग से निकल रही तेज आवाज शांत होती है। यही पूरी सीजन में मोनार्क बटरफ्लाईज का और एग का कनेक्शन है, क्योंकि वो अननोन लाइफ फोर्स भी आगे कोकून से जन्म लेता है। चौथा क्लू जब पॉलिन शेयर करती है कि वो चोजन वन है। और सबसे आखिरी क्लू जब वो जिम को आत्महत्या करने से पहले रोकती है तो बादल में हमें कुछ अजीब ही नजर आता है, वो ये दर्शाने के लिए कि वो चोजन वन है और वो यहाँ सबकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि आगे जाके वही न्यू क्वीन को जन्म देने वाली है। पर आगे सीजन 3 में ईवा को इसलिए जूलिया से रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि वो कभी कुकून में ट्रैप ही नहीं हुई। इसीलिए अगर आप ध्यान दोगे तो अल्टरनेट रियलिटी में ईवा, जिसका कोई पता भी नहीं था, क्रिस्टीन ने उसे बार्बी के लाइफ के साथ टैग कर दिया और वहीं सिर्फ न्यू 4 मिनी डोम को अनलॉक करने के लिए चुने गए थे। इसका क्लू हमें उस दौरा से समझ आता है, क्योंकि यही सेम दौरा पुराने 4 को नहीं आया करता था। पर क्रिस्टीन का इन्हें ही चूज करने का असली कारण पूरे सीरीज में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मैं यही लॉजिक लगा सकता हूँ कि अगर आपने गौर किया होगा तो नोरी एंड जोई और जेम्स एंड एंजी एक तरह से कपल्स थे, ठीक बार्बी और जूलिया की तरह। शायद उनका भी फेट आगे जूलिया और बार्बी की तरह प्लान्ड है, क्योंकि जैसा कि एंडिंग में हमें डॉन से पता चला कि उसका प्लान और भी एक की तलाश करके न्यू डोम ट्रिगर करना है, जिसका मतलब हम यही निकाल सकते हैं कि वहां भी न्यू क्वीन जन्म लेगी जो उस लोकेशन की क्वीन होगी, जिसके लिए उन्हें बार्बी और जूलिया जैसे लोग चाहिए होंगे। पर यह भी हो सकता है कि ये बस एक रैंडम क्रिस्टीन का सिलेक्शन था। अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं इस एक्सप्लेनेशन की तरफ कि डोम से ऑक्सीजन कैसे फ्लो हो रहा था। वो दरअसल इसलिए क्योंकि डोम वाटर मॉलिक्यूल से बना था, इसीलिए उस समय जब मिलिट्री के कुछ साइंटिस्ट डोम पर वाटर स्प्रे करते नजर आ रहे थे, जो को डोम की सतह पर पानी फील हुआ था, जिसका मतलब कि डोम के थ्रू ऑक्सीजन और एयर मॉलिक्यूल्स आर पार जा सकती है, इसीलिए टाउन के लोग अब तक जी पा रहे थे। और सीरीज के एंड में कैल्सिफिकेशन के कारण उनका दम इसलिए घुटने लगा क्योंकि डोम पूरा सख्त होते जा रहा था, जिसके कारण एयर फ्लो कम होते चली गई। वहीं नॉरी के उसके बायोलॉजिकल फैमिली का उसे छोड़ने का असली कारण पूरे
सीरीज में रिवील नहीं हुआ। हम यहाँ भी सिर्फ यही तुक्का मार सकते कि उन्हें शायद किड्स की जरूरत नहीं थी या इसका प्लॉट सीजन 4 के लिए प्लान्ड है। वहीं सीजन 1 में जूलिया के बेहोश होने पर पैट्रिक का वो विजन, वो रेन, जूलिया को चोट लगने पर वो स्टॉर्म, नॉरी और जूलिया के मिनी डोम को छूने पर उन्हें वो संदेश, अननोन लड़की के प्रेगनेंसी को स्पीड करना, जो का मिनी डोम को सेफ रखने के लिए हिप्नोटिज्म में अपने बान में छिपाना और आउट ऑफ नो वे जूलिया के दिमाग में सूझना कि एग को सेफ रखने के लिए उसे पानी में डुबोना और सीजन 2 में पेनफुल नॉइज और उसके कारण मैग्नेटिज्म, आगे एसिड रेन, डस्ट स्टॉर्म, एक्सट्रीम कोल्ड, थंडरिंग, डोम कॉन्ट्रैक्ट, वो एंट्री और एग्जिट वर्म होल। मेरे थियरी के हिसाब से क्रिस्टीन शुरुआत से नीचे छुपे गुफा में मौजूद कुकून से डोम के थ्रू सब ट्रिगर या दूसरों को कुछ कराने में मजबूर कर रही थी। जो और नोरी वन ऑफ द चोजन स्पेशल वंस, उनके करीब होने पर फ्रीक्वेंसीज महसूस होना ये भी दर्शाता है कि वो एक तरह से डोम के सिग्नल या एनर्जी का रिसीवर थे जिसे क्रिस्टीन डोम के थ्रू कंट्रोल करती थी। जिसका क्लू हमें इस लॉजिक से लगता है कि टाइम टू टाइम आउट ऑफ नोवेयर जो को ट्रिगर होता है कि इस अननोन एनर्जी का सोर्स कहां हो सकता है, कहां स्पेसिफिकली जाकर डोम को छूने पर उन्हें उनका जवाब मिल सकता है और उनके एक दूसरे को छूने पर ही टाउन के वॉकी टॉकीज काम करने कैसे लगे। मानो उन्होंने एक दूसरे को छूते ही डोम में फैले फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर दिया जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करने लगे। इन सब के पीछे क्रिस्टीन कुकून के डोम के थ्रू कंट्रोल कर रही है। इसका सबसे बड़ा क्लू हमें सीजन 3 में उसका जेम से खुलासा से होता है कि वो डोम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इतना कम नहीं कि एंजी का अचानक से मेकआउट करने के ठीक बाद जेम से ब्रेकअप करना, उसी समय थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाना, टाउन के लोगों को फोटोफोबिया की बीमारी फैलना, डोडी को अपने रिसीवर पर एलियन लाइक फ्रीक्वेंसी कैच करना, जो और नोरी को भी करीब होने पर कोई फ्रीक्वेंसीज महसूस होना, ये सब डोम से निकल रहे एनर्जी का साइड इफेक्ट था। जिम का भी हत्यारा बनना उस एलियन एनर्जी के कारण उनमें बदलाव आ रहा था, यानी कि रियलिटी में किलिंग करने का जिम का मोटिव नहीं था। सीजन 2 के शुरुआत में मेलिनी भी इसलिए चमत्कारन से रिबॉर्न हो सकी क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि मेलिनी भी क्रिस्टीन और ईवा के साथ उसी हिडन गुफा में शुरुआत से कुकून में शायद मौजूद थी। इसका क्लू हमें इससे समझ आता है जब बार्बी के खोदने पर उन्हें मेलिनी का कंकाल बरामद नहीं हुआ क्योंकि क्रिस्टीन ने उसे गुफा में खींच कर उसे भी ठीक उसी तरह क्योर किया जैसे उसने खुद को क्योर किया था सैम को उसे चोट पहुंचाने पर। मेलिनी का रिवत करने का दो ही कारण था, एक कि उसे 8 मिसिंग हाथ चाहिए था पजल को कंप्लीट करने के लिए, वहीं ताकि वो टाउन के लोगों को गुफा तक ला सके। पर अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एंजी की लाइफ तो मेलिनी के जन्म के बाद जाती है तो क्रिस्टीन को पहले से कैसे पता चला कि एंजी सैम के हाथों मारी जाने वाली है और उसे एंजी का रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। इसका थ्योरी मेरे ख्याल से यही है क्योंकि पॉलिन ने एंजी के डेथ का भी प्रेडिक्शन कर लिया था और शायद क्रिस्टीन ने उसके सारे भविष्यवाणी एडवांस में समझ लिए थे, इसीलिए उसने एडवांस में मेलिनी को जन्म दिया। पर अब अगर आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि पॉलिन ने मेलिनी के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी कैसे नहीं की, तो मेरे ख्याल से ये क्रिस्टीन का सडन प्लान था जिसका क्लू हमें तब मिलता है जब सैम वर्महोल के थ्रू डोम से निकलने पर मेलिनी के पुनर्जन्म के बारे में पॉलिन से शेयर करता है, जिस पर पॉलिन खुश शॉक नजर आती है कि ये उसने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया। अब कमेंट में कुछ लोगों का सवाल था कि आखिर ये लोग लिमिटेड खाने पीने और बिना पावर के कैसे इतने दिन सर्वाइव किए। वेल, सबसे पहले तो थैंक्स टू जिम के इलीगल एक्टिविटी के कारण उनके पास एम्पल सप्लाई ऑफ मीथेन पड़ा था जिसके मदद से वो कुक और अपने जनरेटर को रनिंग रखने में सफल रहे। रहा सवाल फूड का, तो सीजन 1 में ओली नाम का एक फार्मर, उसके पास एकर में फैली फसल थी जिसे जिम ने टाउन का हीरो बनने के इरादे से उससे जबरदस्ती हड़प ली। सीजन 2 में एक चमत्कार दिखाया जहां टाउन की एक फेमस आंटी एंड्रिया के पति ने कुछ ऐसे ही सिचुएशन के लिए काफी कैंड फूड सप्लाई सेव कर रखी थी जिसके मदद से लोग सीजन 2 भी सर्वाइव कर सके। ऑल्दो इतनी कैपेसिटी में सेविंग का कॉन्सेप्ट लॉजिकल नहीं लगता, बट डायरेक्टर को कोई तो बट थोड़ा लॉजिकल मिराकल दिखाना था इस लूप होल को फिल करने के लिए। वहीं रहा सवाल सीजन 3 का, तो ईवा स्पेशलिस्ट निकलती है जिसके मदद से उसने एग्जिस्टिंग सीड्स के मदद से फसलें तेजी से बढ़ाने में सफल रही और इस तरह सीजन 3 भी कट गया। अब बैक टू स्टोरी की आगे, कोकून से क्रिस्टीन ने डोम से कनेक्टेड एंट्री और एग्जिट वर्महोल क्रिएट किया ताकि मिसिंग पीस ऑफ पजल पॉलिन को डोम में लाया जा सके। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सैम एंजी को खत्म करने के बाद जो और नोरी को उसने टारगेट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी तो एग से कनेक्टेड थे। वेल, वो इसलिए क्योंकि पॉलिन के जर्नल में बना वो चित्र का मतलब वो बाद में अपने आइसोलेशन से निकलने के बाद जेम्स से सीखा, जिससे कनेक्टेड पॉलिन ने सिर्फ एंजी की तस्वीर बनाई थी। जेम्स से नोरी, जो और
और जेम्स खुद एक्स से कनेक्टेड का पता चलने पर उसने उसे मारने का ट्राई भी किया था। अगर वो पजल को डोम से गिरने से पहले ही सॉल्व कर लेता और पॉलिन ने गलती से भी चारों की तस्वीर बनाई होती तो शायद डोम के आने से पहले ही सैम ने उन्हें खत्म कर दिया होता। आगे जेम्स ने भी एनजी के बदले में सैम को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिस्टीन ही थी वो जिसने एनजी का हेलुसिनेशन जेम्स को ऐसा ना करने के लिए दिखाया, क्योंकि सैम भी कुछ लोगों की तरह एक्स से कनेक्टेड था। वहीं पॉलिन के एक्स के पीछे ब्लाइंडली बिलीव करना कि उसके विजन के अनुसार लाइल और उनका मरना एक्स के लिए कुर्बानी उनका एक डेस्टिनी है, ये मेरे ख्याल से उनका बस एक वहम था। वो सिर्फ एक भविष्यवाणी था जो मेलिनी के टॉपिक से रिलेटेड में कभी घटने वाली थी, जो ठीक वैसा ही हुआ मेलिनी के गुफा में समा जाने के बाद। उनका मरने का विजन एग या मेलिनी से कोई कनेक्शन नहीं था। सीजन 2 के एंडिंग में वो गुफा क्रिएट होने पर हमें दो रास्ते साफ नजर आ सकते हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से एक क्रिस्टीन के कोकून के तरफ तो दूसरा उसी तरफ जाता है जहां आगे जाने पर सभी कोकून में फंस गए। पर लगली जूलिया अपने चोट के कारण क्रिएटर कूद नहीं पाती और कोकून में कैद होने से बच जाती है, जिसके कारण क्रिस्टीन को जूलिया का रिप्लेसमेंट ईवा को बारबी के साथ कहानी अपने अल्टरनेट वर्ल्ड में क्रिएट करना पड़ा। कोकून में कैद होने के बाद वो सभी पैट्रिक की तरह तुरंत बदल गए होते अगर एग हेक्टर के हाथ नहीं होता। वो अलाइव एग भी दुश्मन के हाथों में होने के बावजूद हेक्टर को जैप नहीं करता, इसका भी कोई क्लू सीरीज में नहीं दिया है। मैं यही वीक लॉजिक लगा सकता हूँ कि क्योंकि वो अलाइव एग कैसे भी करके मेलिनी के हाथ लगना चाहता था अपना अल्टीमेट ट्रांसफर कम्प्लीट करने के लिए, जिसके लिए डॉन हेक्टर को उसी दौरान कन्विंस कर रहा था वो एग मेलिनी को देने के लिए। जैसे ही एग मेलिनी के हाथ लगने पर क्रिस्टीन ने कोकून पर रखा, वो अननोन लाइफ फोर्स उनमें इंजेक्ट होने लगी, पर प्रोसेस कम्प्लीट ना हो सका क्योंकि जिम एन मौके पर एग को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ट्रांसफर कम्प्लीट हो जाता तो सभी की हालत पैट्रिक की तरह हो जाती। अननोन लाइफ फोर्स का उनके पोजेस शरीर पर काबू पाने के लिए जो दो सबसे इम्पोर्टेंट बिहेवियर जो इंसानों को बाकी सभी स्पीसीज से अलग करती है, पेन और इमोशंस को दबाना जरूरी था। इसीलिए कोकून से निकलते ही क्रिस्टीन तुरंत काउंसिलिंग के बहाने सभी के पेन और इमोशंस को दबाने की कोशिश में लग गई थी। शुरुआत में कुछ लोग इसलिए क्रिस्टीन के कंट्रोल से बचे रहे क्योंकि उनका पेन अब भी उन्हें हॉन्ट कर रहा था, जैसे जेम्स के केस में उसके डैड के अगेंस्ट, जो उसे कभी वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा वो हमेशा से चाहता था। बार्बी का पेन उसका जूलिया के प्रति कमिटमेंट का था, स्पेशली सीजन 1 में गलती से उसके पति को मारने के बाद। बार्बी का ट्रू पेन यही था, इसका क्लू हमें अल्टरनेट वर्ल्ड में उसके उस हॉन्टिंग इंसिडेंट से पता चल सकता है, जब जूलिया को खोने के बावजूद ईवा के साथ रिलेशनशिप के दौरान उसे जूलिया की यादें हॉन्ट करती थी। जो के केस में अपने बहन को खोने का पेन, सैम के केस में जो से माफी उसकी बहन की जान लेने के लिए, और नॉरी के केस में जो अपने लाइफ से ही तंग आ चुकी थी। वहीं हंटर पर अननोन लाइफ फोर्स ने इसलिए काबू कर लिया था आसानी से क्योंकि उसका मरने का डर उन मेडिकेशंस के कारण चेक में था। आगे जिम और जूलिया वर्सेस क्रिस्टीन की किनशिप में लंबी लड़ाई चली, जिसके कारण क्रिस्टीन के आगे का प्लान पर बड़ा असर पड़ा क्योंकि डुओ ने मिलकर क्रिस्टीन का एकमात्र पावर सोर्स लिमिटेड कर दिया, और अंत में जूलिया नॉरी बार्बी जो और हंटर को भी होश में लाने में सफल रही। पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि ईवा बार्बी के साथ मेट करके न्यू क्वीन को जन्म और जो के जुगाड़ की मदद से मैकेनिज्म तैयार करने में सफल रही। सीजन 3 में एक और चीज रिवील होता है कि किनशिप में हर एक का एक मिशन होता है और मिशन खत्म होते ही ह्यूमंस नॉर्मल स्टेट में लौट जाते हैं, और तब वो किनशिप के किसी काम न होने के कारण वो उनकी जान ले लेते हैं, जैसा ईवा का न्यू क्वीन को जन्म देने के बाद, और वहीं न्यू क्वीन डॉन के बॉर्न होने पर ओल्ड क्वीन की डॉन ने जान ले ली। पर यहां आपको एक सवाल जरूर आना चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर मेड का मिशन खत्म होने पर बार्बी को कैसे खत्म नहीं किया गया, ये पजल मुझे भी समझ नहीं आई। मेरी थ्योरी यही है कि शायद तब तक बार्बी उनके चंगुल से निकल चुका था और क्रिस्टीन के पास उतना मैन फोर्स भी नहीं था एक मिलिट्री मैन को खत्म करने के लिए। वहीं मरने से पहले क्रिस्टीन ऑडियंस के लिए एक खास जानकारी भी शेयर कर जाती है कि किनशिप से उनका असली खतरा नहीं बल्कि किसी और एडवांस एलियन लाइफ फोर्स से है जो धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। अंत में एक तरफ डोम के कैल्सिफाई होने के कारण सबका दम घुटकर जान जाने का खतरा, वहीं दूसरी तरफ किनशिप मैकेनिज्म की मदद से डोम को अनलॉक करके आजाद होने का। हेक्टर ऐसा होने नहीं दे सकता था क्योंकि किनशिप का मिशन बाकी बचे एक की तलाश करके अपने प्रजाति को इन्फेक्शन के जरिए फैलाने का था, पर जूलिया और जिम ब्रिलियंट प्लान के साथ डोम को अनलॉक होते ही ईवा को खत्म करने के पीछे थे। पर इससे पहले उन्हें हेक्टर को मारना पड़ा क्योंकि वो अपने सुसाइड मिशन को अंजाम देने वाला था, पर अंत में उनका प्लान फेल हो जाता है और डोम के अनलॉक होते ही जिम डॉन को खत्म नहीं कर पाता, बट लकीली बार्बी डॉन को खत्म करने में सफल हो जाता है। पर डोम के अनलॉक होने से पहले सैम जेम्स की और अंत में वो खुद अपने ही डैड के हाथों भेंट चढ़ गया। डोम के अनलॉक होते ही मिलिट्री एलियन की कहानी को एक्टियन के एक्सपीरियंस से जोड़कर टॉपिक को दबा देती है ताकि एलियन की कहानी पब्लिक में ना फैले। पूरी तरह
से इन्फेक्शन के कंट्रोल में जो के साथ बाकी सभी को मिलिट्री क्वारंटीन कर देती है। वहीं जिन पर भी इन्फेक्शन हावी नहीं हुआ होता मिलिट्री उन्हें छोड़ देती है पर उन पर अपनी नजर बनाए रखती है। पर जिम स्मार्टली मिलिट्री को ब्लैकमेल करके कांग्रेसमैन बन जाता है और हंटर और लिली उसके लिए काम करने लगते हैं। बार्बी और जूलिया हॉलीडे पर निकल जाते हैं और नॉरी मिलिट्री ज्वाइन कर लेती है क्योंकि वो जोई को मिलिट्री से उड़ाने की फिराक में होती है। पर सीरीज के एंड में एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि डॉन अब भी जिंदा है और वो बच्चों की मदद से बाकी बचे अंडों के तलाश में है जिसके अंत में उन्हें एक एग भी मिलता है। पर आखिर डॉन यहाँ बच्चों का यूज क्यों करती है? क्योंकि बच्चे एग के बारे में किसी को जानकारी नहीं देंगे और ना ही कोई उनके बातों पर यकीन करेगा और ये सीरीज यही हमेशा के लिए एंड हो जाती है। अब चलते हैं एग के ओरिजिनल प्लान की तरफ। 25 साल पहले अगर मेलेनी मरी नहीं होती तो डोम उसी वक्त टाउन को घेर लिया होता। वहीं दूसरे सिनेरियो में अगर जिम एग को सही समय पर नष्ट नहीं करता तो न्यू क्वीन डॉन कब का जन्म ले चुकी होती एमेथिस्ट की मदद से और बिना किसी कठिनाई के डोम को अनलॉक करके अपने पूरे किनशिप और खास करके चोजन वंस जोई नोरी जेम्स और सैम के साथ भाग निकली होती। यहां मैंने एनजी बार्बी और जूलिया का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि एनजी का मरना वॉज ह्यूमन रिएक्शन जो एक्स से कनेक्टेड नहीं था। वहीं जूलिया और बार्बी का न्यू क्वीन डॉन को जन्म देकर अपना मिशन खत्म करने पर वो किनशिप के हाथों मारे जाते। पर इस पूरे सीरीज में मुझे एक लूप होल जरूर मिली। अज्यूमिंग कि मेरी थ्योरी सही है कि क्रिस्टीन सीजन 1 से सब कुछ ककून से कंट्रोल कर रही थी और उसी ने नॉरी जो एंजी जेम्स बार्बी और जूलिया को चुना, तो जेम्स को बचपन में पिंक स्टार्स आर फॉलिंग का सदमा कैसे आया करता था क्योंकि जेम्स के बचपन के समय में क्रिस्टीन का तो दूर दूर तक पिक्चर नहीं था। ये मैं खुद सॉल्व नहीं कर सका। यदि आपको कुछ समझा होगा तो मेरा कंफ्यूजन कमेंट में जरूर क्लियर करें। अब वही एक्सप्लेनेशन के एंडिंग में मैंने कहा कि ये सीरीज यही हमेशा के लिए खत्म हो जाती है वो दरअसल इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन हाउस CBS ने आखिरी मोमेंट पर इसके आगे के सीजन बनाने से इनकार कर दिया। यानी कि जो भी कहानी आगे सीजन 4 में आनी होनी थी जैसे कि न्यू एक का न्यू डोम ट्रिगर होना या उन एडवांस लाइफ फोर्स का धरती पर लैंड करना, ये सब हम नहीं देख पाएंगे। और CBS ने आखिर ऐसा क्यों किया इसका कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। रियलिटी में पूरी कहानी सिर्फ एक सीजन में कम्प्लीट करने वाले थे पर पॉपुलरिटी को देखते हुए इसे 3 सीजन तक खींचा गया। पर फिर भी कभी इनके दिमाग में बत्ती जली सीजन 4 बनाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने एंडिंग कुछ इस तरह से किया है ताकि ये मुमकिन हो। और फाइनली मैंने मेरे चैनल का पहला सीजन कंप्लीट किया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई। वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं।